हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीके विद्या। आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ मैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 सीरीज बी को लेकर, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें मैं ऑलमोस्ट सारा कवर कर दूँगी फुल पेपर, तो होप सो आप पूरा वीडियो देखेंगे और लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 69th क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास पूछा गया है कि अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट अ डिस्क डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सिलेक्ट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं आइकन कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ से हमारे पास 69 का होगा ऑप्शन बी आइकन। एंड 70 में पूछा गया है कि इन विच ईयर स्लाइड रूल्स वॉर डिवेल्प्ड, तो स्लाइड नियम किस वर्ष बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो ये 1620 में बनाया गया था। आगे हमारे पास 71, जिसमें है कि अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइंस ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज अ, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा। दिस इज अ मैक्रो, जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो प्रोड्यूस करता है सेवरल लाइन ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड, उसे मैक्रो कहते हैं। और 72 है हमारे पास। 72 में पूछा गया है कि वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव द ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैकबॉल इज ऑलवेज, तो ट्रैकबॉल इज ऑलवेज हमारे पास स्टेशनरी होता है, स्थिर रहता है वो, तो हमारे पास ए ऑप्शन होगा यहाँ से करेक्ट आंसर। 73 है। 73 में हमारे पास है कि प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो प्राइमरी मेमोरी को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ये बताना था आपको, तो आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से एक ये हो गया हमारे पास, टू टाइप्स में हो गया। आपको पता ही होगा मेमोरी के टाइप्स आगे कितने होते हैं। आगे है ऑक्टल नंबर आर यूज, तो ऑक्टल नंबर कहाँ पर यूज होता है ये बताना है आपको 74 का। तो ये है हमारे पास वन वाणी नंबर आर टू लॉन्ग, उस समय ऑक्टल नंबर का यूज किया जाता है ऑप्शन ए। 80th है, जिसमें पूछा गया कि इन एमएस एक्सेल गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जो हमारे पास है 74, अच्छा एक स्लाइड मिस है यहाँ से, तो आपके पास ये 74 के पास बाद सीधा 80th क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि इन एमएस एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? 80th का हमारे पास ए होगा, उसे एक्सेसिंग कहते हैं ऑप्शन ए। आगे है हमारे पास 81, जिसमें पूछा गया कि टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैप, किस टैप के ऊपर जाओगे आप अगर आपने स्पेल चेक करना है पावर पॉइंट में, तो आप यहाँ से रिव्यू पर जाके चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 82nd है, हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टिन्यूसली, आपके पास यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, यूज लूप कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन सी। आगे है 83rd, जिसमें पूछा गया है कि हमारे पास इट इज़ बेटर टू यूज फाइल्स देन और डी बी एम एस वन देयर इज आर, यहाँ से हमारे पास 83rd का होगा हमारे पास बी आंसर। मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डाटा, ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो कि रिलीज़ की गई है HPSSC हमीरपुर के द्वारा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या गलत है तो आप बता सकते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप HPSSC को मेल भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होगा, अगर आप एक्यूरेटली है कि पता है आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली कि इसका आंसर यही होगा। आगे हमारे पास 84th क्वेश्चन, जिसमें है कि इन एमएस एक्सेल अ सबसेट ऑफ करेक्टर्स विद इन अ डाटा फील्ड इज नॉन एज, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेटा स्ट्रिंग, यहाँ से ऑप्शन सी होगा। 85th है, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, तो यहाँ से 85 का होगा ए नेटवर्क, सेवरल कंप्यूटर जब हम लिंक करते हैं टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, तो नेटवर्क क्रिएट होता है यहाँ से। आगे है 86, जिसमें है कि आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू यहाँ से ऑप्शन डी सॉरी सी होगा, हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स, यहाँ से ऑप्शन सी। 87 में हमारे पास है कि अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि द कोड सेगमेंट दैट मिस यूज द एनवायरमेंट, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यहाँ से ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 89th है, अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डेटा,
फ्रॉम टू और मोर सोर्स फ्रॉम सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नॉन एज, इज नॉन एज हमारे पास उसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, बहुसंकेतक जिसकी हिंदी होती है मल्टीप्लेक्सर। आगे है 90th क्वेश्चन जिसमें है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी होगा जोखिम प्रबंधन। 91 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन द मैकेनिज्म व्हाई विच द डेटा। 91 है हमारे पास द मैकेनिज्म व्हाई विच द डेटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। इसमें हमारे पास ऑप्शन बी होगा, यहाँ से ऑप्शन बी होगा इनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन ही कहता है। आगे है 92 जिसमें है कि विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें जो दिया गया है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसिंग टेक्निक्स एंड मैनिपुलेटिंग सिलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। 93 है, 93 में हमारे पास है कि विच वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट फॉर ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास सी होगा ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। आगे है 94 का टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज्ड, विच ऑप्शन इज यूज्ड प्रथम बार डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग होता है। तो आपको पता होगा हमारे पास जो 94 का आंसर है उसमें होगा सेव एज का प्रयोग किया जाता है, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर ये होगा। आगे है हमारे पास अब देखिए यहाँ से HPG के स्टार्ट हो जाता है। आप ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर प्रीवियस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो HPSSC के क्वेश्चन पेपर्स आपको himexam.com साइट है वहाँ पे टोटली अपडेट दी गई होती है, वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज आपको साइट पे तो मिल ही जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन और आंसर्स वाले आइकन पे क्लिक करके। तो 95 है हमारे पास जिसमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो इसमें पूछा गया है हमारे पास कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये हमारे पास है 10.03%, आंसर बी होगा इसका। आगे है सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एज पर सेंसस 2011। तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंसिस का ए होगा 972। नेक्स्ट है 97 जिसमें पूछा गया कि सीरखड़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सीरखड़ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। आगे है मिंजर फेयर सभी को ही पता है चंबा का फेयर है। आगे है हमारे पास हमीर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश। हमीर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ऑप्शन डी होगा हमीरपुर में किया जाता है हमीर फेस्टिवल, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा करेक्ट यहाँ से। आगे है 100th क्वेश्चन विनवा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विनवा किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ से ए होगा ब्यास की सहायक नदी है। नाको लेक का पूछा गया है, तो नाको लेक आपकी यहाँ पर है किन्नौर में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है 102 जिसमें पूछा गया था फाउंडर ऑफ द गुलेर प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पास गुलेर प्रिंसली स्टेट है उसके पूछा गया है आपको, तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास बी होगा हरिचंद। आगे है 103 जिसमें है क्वेश्चन पूछा गया द कैपिटल ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। नूरपुर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित थी, तो ये किस स्थान पर स्थित थी आपको पता है, ये थी हमारे पठानकोट नामक स्थान पर स्थित थी। आगे ओल्ड नेम ऑफ भरमौर पूछा गया है, तो ओल्ड नेम ऑफ भरमौर आपको पता ही है क्या था, भरमौर का प्राचीन नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो ब्रह्मपुर था। और बैजनाथ का कीरग्राम है, बिलासपुर का ब्यासपुर है, और यहाँ से आप दे सकते हैं द्योरा लास्ट है जो, तो बट इसका 100 जो फोर्थ है इसका हमारे पास ऑप्शन बी होगा ब्रह्मपुर। आगे है विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नॉन एज द पिच बॉल ऑफ एशिया। तो ये हमारा राजगढ़ को बोला जाता है, यहाँ से 105 का होगा डी पिचगढ़ राजगढ़ जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है हमारे पास चंबा सेवक संघ वाज फाउंडेड इन विच ईयर। 106 का है
इस ये हमारा 1936 चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। आगे है हमारे पास हिमऊर्जा पन बिजली परियोजना का कार्य किस अभिकरण के अंतर्गत है, किस अभिकरण के अंतर्गत है हिमऊर्जा का, तो ये है HPSC B के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, HPSC B। आगे है 108 जिसमें है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो आर्मी ट्रेनिंग हमारे पास शिमला, इसका सही आंसर होगा। आगे है जांगी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो 109 का हमारे पास होगा रिकोंगपियो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 110, अब हमारे पास यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके पास दिया गया है कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में मदर्स को लिखा जाता है इस फॉर्म में, आप ब्रॉड को किस कैसे लिखेंगे, इसमें मदर को अगर ऐसे लिखा जाता है ब्रॉड को कैसे लिखेंगे, तो जब आप इसको लिखते हैं तो आपके पास डी ऑप्शन आता है यहाँ से सही आंसर। 111 है, इसमें पूछा गया है कि अगर यदि राजू पाता है कि लड़कों की कतार में वह दाहिने से 12वें स्थान पर है और बाएं से चौथा है, तो कितने और लड़कों को जोड़ा जाए कि कुल कतार में 28 लड़के हो जाएं, तो 111 है जो हमारे पास, इसका सही आंसर होगा 13, ऑप्शन सी। आगे है आपके पास यहाँ से किया गया है 112 है जो इसका आंसर हमारे पास ए होगा, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 113 है जो हमारे पास, 113 में हमारे पास आएगा इसका आंसर सी, ठीक है। आप इसको जनरली कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं ये, फिर भी अगर डाउट है कोई तो आप मुझे बता देना। आगे 114 में हमारे पास जो है विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन, तो 114 का हमारे पास होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 115 में हमारे पास सही आंसर होगा, ये हमारे है करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये होगा हमारे पास सी इसका आंसर। 116 है जिसमें पूछा गया है कि एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द S&P ग्लोबल रेटिंग, व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया इन 2021, तो ये है 11%, यहाँ से 11% होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है ब्लड, ये आ गया हमारे पास अब जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पर। आगे ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन 117 का होगा यहाँ से, ऑप्शन ए धमनी। आगे है आपके पास मटर का पौधा है, किस प्रकार का पौधा है जो मटर का पौधा है, ये हमारे पास एक हर्ब का टाइप है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया कि एक्सरे वाज इन्वेंटेड बाय, तो किसने इन्वेंट किया था, ये किया था रोटेजन ने, यहाँ से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे है 120th जिसमें है कि विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, तो यहाँ से हमारे पास सोडियम मेटल है जिसको कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है। आगे है 121 जिसमें है कि द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी, तो यहाँ से 121 का आंसर होगा हमारे पास सावित्री, जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी को समर्पित है। 122 है जिसमें है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की, ये पूछा गया है 122 में, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। आगे है 123 जिसमें है कि 123 में पूछा गया है श्री भाष्य के रचयिता है हमारे पास ऑप्शन सी रामानुज, एंड 124th है सिख गुरु जिनकी हत्या औरंगजेब के आदेश से हुई थी, वह कौन से गुरु थे जिनको औरंगजेब के ऑर्डर देने पर मार दिया गया था, तो 124th है जिसमें हमारे पास वो थे गुरु तेग बहादुर जी, जो जिनको औरंगजेब के आदेश के द्वारा मार दिया गया था। आ गया 125th में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 प्रगना की जिम्मेदारी मिली, इससे किससे मिली थी, आपको पता होगा यहाँ से चांद साहिब से मिली थी। आगे 126 में आपके पास पूछा गया है कि दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो हम आपको दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुगल शासक था, ऑप्शन हमारे पास ये होगा अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था। 127 है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सत्याग्रह आश्रम, तो सत्याग्रह आश्रम आपका महात्मा गांधी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ से। आगे है 128 जिसमें है पूछा गया
राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी आती है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आती है जो राज्य सरकार द्वारा लॉटरी आयोजित करवाई जाती है, तो 128 का होगा हमारे पास राज्य सूची स्टेट लिस्ट में आता है ये। आगे है हमारे पास 129 जिसमें है कि संविधान सभा में भारतीय रियासती राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों की सदस्यों की संख्या थी, कितनी संख्या थी उनकी, 70 थी। यहाँ से आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है 130 जिसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके अंतर्गत हुई, किसके अंतर्गत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे है वैश्वीकरण का अर्थ है बिना किसी रोक टोक से इसका चलन, तो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या मीनिंग है इसका आपके पास, कि यहाँ से आपको रोक टोक इसका चलन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही इसके आंसर होंगे। आगे है 132 जिसमें है कि द सौर किरीट में मुख्यतः शामिल है, क्या शामिल होता है सौर किरीट में, तो ये होता है हमारे पास मोल्टन लावा, पिघला लावा, 132 का ऑप्शन ए। 133 है जिसमें पूछा गया द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स इज, तो आपको पता ही है कि जो एरोप्लेन वगैरह की घटनाएं हैं वो कहां पर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, यहां से ऑप्शन बी होगा, समताप मंडल में। 134 है जिसमें पूछा गया कि 25th स्टेट इन इंडिया वाज, तो ये थी गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे 135 है, 135 में पूछा गया है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ऑप्शन हमारे पास सी होगा, ये है जम्मू कश्मीर में, सलाल पनबिजली परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 136 है, 136 में पूछा गया है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो आपको पता है कि ऑप्शन डी होगा इसका, माइका, यहाँ से अभर्क। और अब है इंग्लिश के क्वेश्चन, जनरली इंग्लिश में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट एंटोनिम पूछा गया है और उसके बाद आपके पास आगे 137 जिसमें है कि एंटोनिम ऑफ द एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का एंटोनिम होता है हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, तो ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑप्शन यहाँ से हमारे पास सी होगा, यहाँ से ऑटोक्रैट कहते हैं उसे। और आगे 139 जिसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, अवार्ड आएगा यहाँ पर। आगे मीनिंग ऑफ द ईडीएम पूछा गया है, टू गेट इनटू स्क्रैप इज, इसका आंसर होगा 140 का हमारे पास बी, टू फाइंड वनसेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रेडिकमेंट। आगे है हमारे पास 141, यहाँ से इंग्लिश के सॉरी हिंदी के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो यहाँ से शक्तिहीन में समास पूछा गया है, तो शक्तिहीन में समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, समग्र का पर्यायवाची पूछा गया है, समग्र का श्रेष्ठ होगा ऑप्शन ए। यौगिक शब्द पूछा गया है, तो यौगिक शब्द होता है जो दो शब्दों से मिला के बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ से मदिरालय, जंगल की आग, तो जंगल की आग आपके पास यहाँ से होगा दावानल, और पेट की आग ऐसे भी आता है क्वेश्चन। 144 का हमारे पास सी होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं 141 का बी, 142 का ए एंड 143 डी एंड 144 सी। अब है हमारे पास आगे 145 क्वेश्चन जिसमें है With respect to network interface card, the term 10/100 refers to, 10/100 refers to, यहाँ से होगा megabytes per second, option C correct होगा। Next है, hard disk is divided into tracks, which are further subdivided into, अगर hard disk है उसको tracks में divide किया जाता है, और tracks को further divide किया जाता है, तब उसको sectors कहा जाता है, option B correct answer होगा, sectors। आगे है, in laser printing technology, what happens during the conditioning stage, तो conditioning stage क्या होता है वहाँ से, A uniform negative charge is placed on the photosensitive drug. Option B correct answer होगा इसका। 148 है, 148 में पूछा गया है कि what product is used to clean the some two keys on a keyboard, तो यहाँ से हमारे पास all purpose cleaner होगा, option D। अब हमारे पास 149, the mouse pointer moves erratically with what is the possible cause the mouse, तो यहाँ से हमारे पास होगा ball is dirty, option A होगा correct यहाँ से। 149, 150 है, यहाँ से वर्ड कमांड इज यूज टू रीसेट द मॉडम वैन यूजिंग द एट कमांड सेट, तो 150 का हमारे पास ऑप्शन ए होगा, ए टी जेड कमांड को यूज किया जाएगा। 151 है, 151 का हमारे पास आंसर होगा मल्टी डायरेक्शनल नोजल, एंड 152 का आंसर हमारे पास ए होगा। 153 है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास सॉरी जो 152 है उसका आंसर हमारे पास बी है, यहाँ से SCSI हार्ड डिस्क।
विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू द लार्ज वीडियो फाइल्स, तो होगा SCSI हार्ड ड्राइव. अब 153 में पूछा गया है कि RS-232 इज स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू, तो ये होगा सीरियल पोर्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका. 154 है, 154 में हमारे पास ऑप्शन ए होगा. आगे है हमारे पास 155 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, लो ह्यूमिडिटी. एंड 156 का आंसर हमारे पास सी होगा, यहाँ से 156 का आपके पास सी, 157 का ए होगा. आगे है हमारे पास 158 में आपके पास यहाँ से ऑप्शन सी होगा, 127 ट्रैक्टर्स. एंड 159 है, 159 का आपके पास RM होगा, बी ऑप्शन. 160 आपके पास सी होगा करेक्ट आंसर. 161 डी यहाँ से होगा, 162 अगेन डी, एंड 161 यहाँ से 166 क्वेश्चन आ गया. 166 का आंसर हमारे पास ए है. आगे 167 का हमारे पास डी है, बोथ ए एंड बी. आगे 168 है, 168 का आपके पास आंसर ए होगा. 169 का आपके आंसर डी है आपके पास, और 170 का आपके पास आंसर है बी, यहाँ से एक्सपर्ट सिस्टम. तो ये था आपके पास पूरा पेपर जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का, जिसका पोस्ट कोड था 848, करवाया गया है 19 सितंबर 2021 को. होप यू लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग.